हमारा दिल करा था हम भी चले। अब हम मैं और हमारे वो कार लिबर्टी चौक में आए हैं। आप हमारी आवाम का जोशो क्रोज देखेंगे। जो सॉरी परवेज राय साहब वजीर आला बने हैं पंजाब के, आप खुश आए जी। और तहरीक इंसाफ का जो जश्न का आज शहर पकड़ी गई थी और इसने जो जुल्म किया सरकार जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लिबर्टी चौक में आए हैं। आप हमारी आवाम का जोश व खरोश देखेंगे, उनसे पूछेंगे इतने खुशा परवेज इलाही साहब जो वजीर आला बन गए हैं पीटीआई के, तो कुछ हम अपनी आवाम से पूछेंगे कि हमारी आवाम कितनी खुश है जी। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। किधर आए अंकल, आप बता सकते हैं आपको? हम जी इस वक्त लिबर्टी में हैं। लिबर्टी में आए जी। और तहरीक इंसाफ का जो जश्न का आज कॉल थी उसमें हम लोग शरीक हैं सब। अच्छा अच्छा, आप खुश हैं? बिल्कुल जी खुश हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं ये जो उस्मान बुरजार और ये हमजा गए थे, इनसे बेहतर होंगे परवेज इलाही साहब? हमें जी ना परवेज इलाही का पता है ना बुरजार का पता है, हमें इमरान खान साहब का पता है। अच्छा, इमरान खान साहब का पता है जी। इमरान आप पूरे जाले इमरान खान साहब? बिल्कुल जी, इमरान खान साहब के लिए इमरान खान साहब। चले ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जी हमारे जोशो को, देख सकते हैं हमारे भाई का। क्योंकि मैं भाई किधर आए हुए आप? मैं लिबर्टी चौक आया हूँ। लिबर्टी चौक नहीं आया, मैं जश्न मनाने के लिए आया हूँ। चोरों को हमने अंदर कर देना। आप किसके अंदर? जेल के अंदर कर देना, किसके अंदर कर देना? अंदर करके अंदर कर देना है। अच्छा मुझे बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही साहब बनाया, हाँ जी, रात को 2 बजे, रात को 2 बजे, आप खुश हैं? एग्जैक्टली मैं खुश हूँ। हमारे पसंद का जो है मशवरा है, हमारे पसंद का फैसला हुआ है, क्यों नहीं खुशी? इसके लिए तो हम रो रहे थे कब से। वो तो शहबाज शरीफ कह रहा है, बहुत गलत किया है। क्यों तो वो ये गलती कहेगा, जो हारता वो गलती कहेगा, वो क्यों सही बात कहेगा बताओ मुझे। बहुत खुश हूँ, सारे खुश हैं, हम खुश हैं। चलो जी, चले जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। आते जा रहे हैं, अब अंकल से एक सवाल पूछे। अंकल आप सवाल पूछ लें, हम आपसे सवाल पूछ रहे जी। जी बताइए। अच्छा मुझे बताएं, तो आप इमरान खान ने जो सॉरी परवेज इलाही साहब वजीर आला बने हैं पंजाब के, आप खुश हैं? बहुत खुश, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा ये आप किससे कहने में लिबर्टी चौक पे आए थे? खुद ही आए हैं, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब को, इमरान के हाँ खुद आते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा जी, तो आप खुश हैं? जी जी बहुत। चले चले ठीक, बहुत थैंक हमारे बच्चों, हमारी बहनों,
हमारे जख्म अभी भी नहीं भरे। हम राणा सनाउल्ला जहाँ भी आपको पाकिस्तान में नजर आए, हम पुलिस से नहीं पूछेंगे, हम रेंजर से भी नहीं पूछेंगे, हम आपको पकड़ के इतना मारेंगे कि तुमको नानी की याद मरियम की दिलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मरियम नवाज शरीफ, ओ मरियम झूठी और झूठी नानी कहती है। मेरी अमेरिका में क्या, लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। और तू अपना मुंह धो के आ, अगर तेरे मुंह पे वट ना हो तो मैं अपना गला कटवा लूंगा। शबाज शरीफ समझ लो, अब तुम्हें मैं धीर चतराल से जैसे ये बैल बनवाया है, शबाज शरीफ आपके लिए जूते पॉलिश कर डब्बा बनवाऊंगा गले में डाल के, अब बूट पॉलिश करते रहना, कभी लबर्टी चौक, कभी कलमा चौक, कभी रास्ते। चले जी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान हमजा कुकड़ी, ये लाए तो सही, इसको नीचे तो लाए। जी हमजा साहब, आप ये कह रहे थे कि आप ये पंजाब रख लेंगे, तो आपने रखा क्यों नहीं? कुकड़ी जिबा हो रही है, आप देख रहे हैं, ये जिबा नहीं, इसके गर्दन पकड़ के मरोड़ देनी चाहिए। मर गई नानी, मर गई। पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे रख जा, उस कौम का हाकिम फकत खुदा की कसम, अली मोहम्मद जैसा बहादुर इंसान माँ ने पैदा ही नहीं करना। वो अकेला अदालत में रहा, ये 170-175 लोग थे, उसने अकेले में मुकाबला किया। मैं इमरान खान का छोटा सा सिपाही हूँ, मेरे घर पे आके अली मोहम्मद खान ने मेरे दफ्तर का फीता काटा है। मेरा दिल वजूद इतना मीठा है कि अंदर मठियाई महसूस हो रही है, 2 दिन हो गए खुशी से नींद भी नहीं आ रही। हम क्या करें। ठीक है, इसी के साथ अपने होस्ट आदर शिक्षक को इजाजत दीजिए, क्योंकि सच जानना सबका हक है, सच सुनना सबका हक है, और सच बात पे खड़े रहना आपका, मेरा और पूरी कौम का फर्ज है।